हम माहिम की इस इफ्तार पार्टी पे एमएलए ऑफ थाने निरंजन दाऊखरे जी का छोटा सा बाइट्स लेंगे, उनसे जानेंगे सुहेल जी ने जो नेक काम किया है इफ्तार पार्टी रख के, तो जानते हैं इस इफ्तार पार्टी में क्या ऐसी खास बात है। तो चलिए बात करते हैं निरंजन दाऊखरे जी से जो थाने के एमएलए। तो निरंजन जी आप बताइए, बड़ा नेक काम किया है सुहेल जी ने इफ्तार पार्टी दे के, और थोड़ा सा इस इफ्तार पार्टी की कुछ खास बातें बताएं। सुहेल भाई के तरफ से हर साल ये शहरी का प्रोग्राम होता है और निश्चित ही यहाँ पे तमाम लोग एक भाईचारे के नाते यहाँ पे आ जाते हैं, और अलग अलग जगह से, जैसे मैं थाना से आया हूँ, बॉम्बे के अलग अलग विभाग से भी यहाँ पे लोग आते हैं, एक फैमिली एटमॉस्फियर यहाँ पे बन जाता है। निश्चित ही इस पावन महोत्सव में हम सभी को दरगाह का आशीर्वाद इससे मिलेगा, ऐसा विश्वास मुझे है। तो अभी आपने इफ्तार का थोड़ा सा स्वाद लिया होगा, तो कैसा लगा आपको इफ्तार पार्टी का खाना? नहीं, खाना निश्चित ही, खाने से ज़्यादा जो संगत है उसका स्वाद, उसका भाईचारे का जो स्वाद है वो अलग है। तो आप बहुत, आपकी उम्र जो है बहुत कम लग रही है और आप एमएलए पोजीशन पे हैं, थोड़ा सा आप अपनी पॉलिटिकल लाइन के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिए। नहीं, मैं कोंकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आया हूँ और वहाँ से विधायक हूँ। निश्चित ही लोगों ने वहाँ पे एक विश्वास करके मुझे चुन के दिया है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के माध्यम से अलग अलग काम निश्चित ही एजुकेशन के लिए चालू रहते हैं। थैंक यू सो मच। सुहेल जी, बड़ा ही नेक काम किया है आपने इफ्तार पार्टी देके, तो आपकी इफ्तार पार्टी में से कुछ खास बातें हैं जो आप हमारे चैनल को बताएंगे? देखिए, ये शहरी पार्टी जो है वो 2001 में हम लोग ने स्टार्ट किए थे। पहले कॉन्सेप्ट होता था इफ्तार पार्टी का, बट उसके बाद में जो टाइम इतना शॉर्ट होता था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। शहरी पार्टी में लोग मिलते, कुछ डिस्कस करते और सोशल काम में भी इन्वॉल्व करते अपने आप को। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा 2001 से चालू है, और मैं माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के बोर्ड पे हूँ, तो उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हमारे साथ में, तो ये एक अच्छा मौका मिल जाता है। रात को नमाज के बाद में लोग आते, साथ में बैठते, सेरी भी करते और एक कुछ सोशल कॉज के ऊपर भी सोचते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा कॉज यहाँ से एक लेता है नवाज। सुहेल जी, अपनी थोड़ी सी सोशल लाइफ के बारे में आप हमारे चैनल को बताएंगे? सोशल लाइफ तो इसी है कि मैं अभी ऑन बोर्ड ऑफ माहिम दरगाह एंड हाजी अली दरगाह हूँ। ये बाई पैशन हूँ, दो आई एम अ बिल्डर बाई प्रोफेशन, and we have our schools, education complexes and other things. We are trying to do our best for the community and the society. लोग जुड़ते जाते हैं तो उसमें और हिम्मत बढ़ती जाती है, and I hope कि ये स्ट्रीम चलता रहे। हाजी अली से भी आप कुछ रिलेट करते? मैं हाजी अली का ट्रस्टी हूँ। अभी तो हाजी अली में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जो वन ऑफ द मोन्यूमेंट्स है हाजी अली, तो उसके ऊपर भी हमारी टेक्निकल टीम्स काम कर रही है। बट अभी रमज़ान का टाइम है, तो ये सीरी और इफ्तारी का टाइम है और एक कुछ सोशल कॉज लेके जाने का टाइम है, तो उसके बारे में तो तफसील में बात हो सकती है। आज ये कॉज जो है सीरी का, वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग क्वाइट अ फ्यू पीपल, इसमें यू नो डिफरेंट, इट्स लाइक अ बुके, डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते, सोशल लोग आते, पॉलिटिशियन लोग आते, बिजनेस मैन आते, रेस्टोरेंट आते, तो उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक कॉज माहिम से हमेशा उठता है रमज़ान में, कम्युनिटी के तरफ और सोसाइटी के तरफ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आज हम लोग का फोकस उसके ऊपर है। रमज़ान का बहुत पावन मौका है, तो हमने देखा आपने हिंदू मुस्लिम एक जगह सब लोगों को इकट्ठा किया है, तो आप थोड़ा सा जातिवाद के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे? माहिम दरगाह जो है वो प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटी का है। यहाँ हर तरीके के, आज अपना इंडिया जो है इट हैज़ डिफरेंट फैब्रिक्स, इतने कल्चर्स है हमारे पास, हर 200 किलोमीटर के पास हमारी लैंग्वेजेस चेंज होती है, बट सब साथ में एक फैब्रिक में जुड़े हुए हैं। और माहिम दरगाह का जो प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटी का है, यहाँ से आप देखेंगे कि कोई मज़हब का, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई प्रोफेशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा डायरेक्ट अफिलिएशन नहीं है, सब मिलजुल के एक साथ में एक टेबल पर यहाँ बैठते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट मैसेज वी कैन गिव फ्रॉम माहिम दरगाह प्लेटफॉर्म। तो आपकी शहरी पार्टी में कोई ऐसा खास फूड जो आपने अरेंज किया है? ये एक देसी फूड होता है जो 17-18 साल से चले आ रहा है, तो हर आइटम जो है यहाँ देसी है। अगर मुर्गी भी है तो देसी है, अगर आप ड्रिंक्स भी आप लेंगे तो देसी है, स्टाइल ऑफ सर्विंग भी देसी है। सो ये एक देसी कॉन्सेप्ट चले आ रहा है, विच वी हैव कंटिन्यू।
थैंक यू सो मच सोहेल। तो इस इफ्तार पार्टी में हम बातचीत करेंगे मुंबई के नामचीन एडवोकेट रिजवान जी से, जानते हैं इस इफ्तार पार्टी में उन्हें क्या अच्छी बातें लगी और खाना उनको कैसा लगा मोस्ट ऑफ। तो सर थोड़ा सा हमें पहले तो इफ्तार पार्टी में सबसे मेन होता है खाना, तो पहले आप मुझे खाने के बारे में कुछ बताइए। ये जो सुहूर की पार्टी जो इस्टेब्लिश की गई है पीर मखदूम साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह एक रेगुलर अफेयर है और हर साल आप देखोगे कि लोग बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस सुहूर की पार्टी के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत दी है, और अगर कोई चीज़ सही नहीं होती तो उसमें बरकत नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल मेरा छोटा भाई है, एक रेगुलर काम करते रहता कम्युनिटी के लिए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सहूर के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक मुसलमान आकर यहाँ पर बैठ के हमारे साथ में सहूर कर रहे हैं, हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी है हमारे साथ में जो आके सहूर कर रहे हैं हमारे साथ में, एंड वेरी 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 हैप्पी टू वेलकम देम एंड टू हैव देम अमंगस्ट अस, एंड दे शुड ऑल्सो प्रे फॉर अस, वी विल ऑल्सो प्रे फॉर देम, एंड आई एम हैप्पी दिस एलिमेंट ऑफ यूनिटी इज एस्टैब्लिश्ड ऑल थ्रू आउट द मंथ। And I'm sure you must have heard of that particular incident which has happened in Dubai, that iftar has now been started in a gurdwara in Dubai. So this is an regular affair which should continue, and this is something which will continue to maintain unity amongst all members of the community of different communities, and I'm very happy with this. Congratulations to the entire team of Peer Mukhdum Sahib Charitable Trust, and special congratulations to my brother Sohail. Thank you so much. So अभी बात करते हैं हमारी सुंदरी ठाकुर मैम जी से। हर दिन महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती हैं और पूरा ध्यान देती हैं कि जो भी हमारे सोशल लाइफ में जो भी महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं घटती हैं उनके लिए बहुत दिल से वो काम करती हैं। तो जानते हैं इस खूबसूरत इफ्तार पार्टी के बारे में वो क्या बोलती है। तो सुंदिमा आप बताइए कि सबसे पहले तो आपने अभी, मुझे नहीं लगता थोड़ा सा लेट हो गया या खाना खाया होगा, बट खाना शुरू नहीं हुआ। हाँ, इफ्तार पार्टी के बारे में आप बताइए, सुहेल जी ने आपको इनवाइट किया। इफ्तार पार्टी नहीं है, सहरी पार्टी है एक्चुअली एक तो। और सबसे पहले मैं सुहेल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें यहाँ बुलाया और सबके बीच में बैठे हैं, ना यहाँ मुस्लिम का कुछ ना हिंदू का, ऑल इस कम सारे एक जैसे दिख रहे हैं। सो सबसे अच्छी बात तो ये है, और सब मिलजुल कर सहरी के लिए आए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी सुहेल जी, ये हर साल आप करते हैं और साल ब साल दर दर ये लोग बढ़ रही है, ये चीज़ तादाद बढ़ रही है आगे। और भी मैं तो कहती हूँ मखदूम शाह बाबा से दुआ करती हूँ कि वो हमेशा इसी तरह सालों साल करते रहें और लोगों के दिल में जगह बनती चली जाएगी उनके लिए। और सहरी ऐसी चीज़ होती है कि मतलब लोग सुबह तक ये चलेगा, ये सुबह 5 बजे तक चलेगा मुझे लगता है, तो सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बाबा सबको, सबके लिए दुआ करूँगी, सब अच्छे से जाए और हमारे रोज़े जो चल रहे हैं सुकून और शांति से जाए, और आने वाली ईद है वो धूमधाम से मनाई जाए पीस और शांति से। सो थैंक यू सो मच कि हम यहाँ आए और हमें ये सब देखने को मिला और खाने को भी अच्छा अच्छा मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। इस सहरी पार्टी को कितना एकता का प्रतीक समझती हैं? ये आपको नज़र आ रहा है एकता कितनी तादाद में है, तो इसमें तो कोई मैं आपको नहीं बता सकती हिंदू कहाँ है, मुस्लिम कहाँ है, कौन कहाँ है, सारे एक बैठे हुए हैं। तो इसमें अंदाज़े, इसमें यूनिटी मतलब इतनी तगड़ी कि आप खुद ही नहीं बता सकते। आप भी मीडिया से हैं, आप देखें यहाँ पे कुछ लग रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, परफेक्ट, और मतलब जैसा होना चाहिए वैसा है। सो थैंक यू राजस्थान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सोहेल जी ने जो इफ्तार रखा है तो उसके बारे में बताइए, आपको खाना कैसे लगा? सबसे पहले तो हम खाने के बारे में ही बात करेंगे। ये वो मौका है जब हिंदुस्तान का ये एक अजीम शहर जैसे मुंबई कहते हैं, मुंबई जब एक साल क्षमा होती है तो ये आपको सामने देखने को मिलता है। खाना तो ये दूसरी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले कि आपस की मोहब्बतें, एक दूसरे के साथ आप देख रहे हैं कितना अटैचमेंट है लोगों का। हर एक शख्स ये चाहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एवरीबडी नो के सोहेल भाई मेरे हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि मेरे हैं, मेरे हैं। तो ये मेरे मेरे में इतने सारे लोग यहाँ जमा हैं। मैं मुबारकबाद यहाँ देता हूँ सोहेल खंडवानी साहब को, उनकी पूरी टीम को, और ख़ुसूसन
इनकी पूरी टीम, छोटे हो या बड़े, सब एक एक साथ जुड़ करके पूरे मुंबई को एकता का सही पैगाम देने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। मैं इन्हें पूरी मुबारकबाद दी हूँ और आप लोग आए हैं, आप लोगों को भी बहुत मुबारकबाद, खुश आमदीद दी। बहुत बहुत मुबारकबाद मुफ्ती जी। आप हमारे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, हमने तो नाम रख दिया हिंदू मुस्लिम बट सब भाई भाई हैं, तो उनको क्या आप ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि मन में से जो भी द्वेष भाव है निकाल सके? हालांकि यहाँ इफ्तार में तो कोई द्वेष भाव नहीं देखने के लिए मिल रहा है, बट आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू? पहले तो आपके चैनल को मुबारकबाद दिया और आपके चैनल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिस्टर सोहेल खंडवानी साहब और उनकी एक टीम जिसे लेजेंड कहते हैं, लेजेंड ने और मिस्टर खंडवानी साहब ने एक पैगाम आम कर दिया है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हर एक शख्स दूसरा इंसान है। तो इंसानियत का सही पैगाम आज के इस खंडवानी हाउस से जा रहा है। मैं मुबारकबाद दिया देता हूँ पूरे महाराष्ट्र के लोगों को और खुसूसन पूरे मुंबई के लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती साहब। सोहेल जी के लिए क्या बोलना चाहिए? सोहेल जी तो हमारे बस बहुत खास है, हमारे दोस्त भी है और हम लोग बहुत पहले से भी सर हैं हमारा सब, तो अभी माशाल्लाह उन्होंने बहुत तरक्की की है और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा अच्छा लगा उनका, बिजनेस भी करते हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं, साथ में अपना लोगों की हेल्प करना, ट्रस्ट चलाना, काफ़ी बिजी इंसान है, वह बहुत काफ़ी बिजी रहते हैं। अल्लाह उनको उम्र दराज करे, ये हमारी दुआ है उनके साथ। थैंक यू सो मच। शहरी पार्टी जी, हाँ शहरी की पार्टी है और सोहेल भाई का ये इतना बड़ा दिल है कि हमेशा ये प्रोग्राम रखते हैं शहरी में और सभी लोगों को वहाँ बुला के और सभी लोगों से एक मोहब्बत और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे और हम सबको एक साथ जोड़ के रखेंगे। सोहेल जी आप भी बहुत नेक काम करें, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। नहीं मैं तो NCP में जुड़ा हूँ और एक ही हमारा मकसद है कि हमारे कम्युनिटी के लिए क्या काम करना है, जो काम हमारे पास आता है हमारे नेता के साथ हम लोग करके लेते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी। तो आप सब में से कोई बताना चाहेगा आपको शहरी का खाना कैसा लगा? और थैंक्स टू सोहेल भाई, वो बहुत अच्छे होस्ट रहे हैं बॉम्बे के लिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के आई सपोज नॉट ओनली वन तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है वो, एंड अभी हम लोग गाड़ी में मैं और बब्बू खान साहब आ रहे थे तो मैं उनको वही बता रहा था कि सोहेल भाई वाहिद आदमी हैं कि उनके पास आप किसी भी काम के लिए कोई भी शख्स, नॉट मी नॉट बब्बू खान भाई बट एनी कॉमन मैन फ्रॉम आवर कम्युनिटी और फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी कैन अप्रोच हिम, दैट इज द फाइनर पॉइंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं सोहेल जी के शहरी पार्टी में लोग रिलैक्स करते आपको नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ताला बड़ी शक्ति देते हैं लोगों के, ये लोग रोजे से जो रहते हैं। तो इसी मौके पे माइनॉरिटी के चेयरमैन हाजी अल्फाजी से हम बात करेंगे, तो बड़े ही रिलैक्सिंग मोड में स्विंग करते नज़र आ रहे हैं। तो हाजी आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर शहरी पार्टी में आकर सोहेल जी? बिल्कुल, मैं शहरी पार्टी में नहीं आया हूँ, सोहेल खंडवानी जी मेरे एकदम जिगरी दोस्त है, भाई है, और आज उनके पास बाबा मखदूम और माँ साहब की जो जिम्मेदारी है और दरगाह को जिस तरीके से वो देख रेख कर रहे हैं, जिस तरीके से जो आने वाले जितनी भी जायरीन हैं उनको जिस तरीके से जब से उन्होंने कमांड संभाली है और बड़े बेहतरीन तरीके से वो दरगाह का खिदमत जो कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम भी खादिम जैसे बाबा मखदूम के दर्शन लेने, सलामी देने के लिए, माँ साहब की सलामी देने के लिए खासतौर पर आते हैं। रमज़ान में मैं इत्तेफाक है मैं कहीं पर भी शहरी पार्टी ऐसी नहीं जाता हूँ, लेकिन ये मेरा घर है और उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ आज शहरी करने के लिए आप आइए, तो बिल्कुल मैं आज यहाँ पे हाजिर हुआ। हमारे उस्मान लकड़ा वाला ये भी एक बड़े उद्योगपति है, ये भी आए, काफ़ी लोग ऐसे बड़े, हैदर आजम साहब आए हैं, सभी लोग आते हैं। और एक सोहेल भाई का अखलाक है कि रोज़े का और सहरी का मामला ऐसा है कि रोज़ा हम जो रखते हैं वो अल्लाह के लिए रखते हैं और इसके अंदर हम साहिब हैसियत जो लोग होते हैं हम लोग वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हम जिसके वहाँ रोज़ा खोल रहे हैं या जिसके वहाँ सहरी कर रहे हैं तो वो कौन है, वो उसके हलाल पैसे है या नहीं है, वो किस तरीके से हमको सहरी करवा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को सोच के समझ के करना पड़ता है। लेकिन ये मेरा घर है और हमेशा मैं ख़ास तौर पर बहुत कम लिमिटेड जगह पे जाता हूँ, लेकिन सोहेल खंडवानी जो है वो मेरे दोस्त है और बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज़ का इस्लामिक तरीके से इंतज़ाम रखते हैं, इसीलिए ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी मैं आया हूँ। बहुत ही पाक महीना माना जाता है रमज़ान का, सो आप लोग भी रोज़े से ही हैं, तो रोज़े में कुछ कठिनाई मुश्किल फील करते हैं?
देने मांगने वाला महीना है, ये लूटने वाला महीना है, ये फ़ायदे उठाने वाला महीना है। रोज़ी के लिए हमारा भगवान, हमारा अल्लाह हमारे घर आ रहा है, हमारा मालिक हमारे घर आ रहा है, और हम दुआएं मांगते हैं और खूब दुआएं मांगते हैं, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो दिन भर भूखे रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जब हमारा मालिक हमको मिलने आ रहा है, पूरा साल भर का कोटा हमको मिलने वाला है, तो बिल्कुल रोज़ा रखना चाहिए और हमारे मालिक से मांगना चाहिए, अल्लाह से खुद मांगना चाहिए, बाकी किसी से नहीं मांगना चाहिए। इसलिए ख़ास तौर पर पूरा महीना पिछले कई सालों से मैं मेरे घर में रोज़ा इफ्तारी करता हूँ, मेरे घर लोग आते हैं, और रोज़ा इफ्तारी के बाद मैं कई सालों से हमने एक ऐसा सिस्टम शुरू किए, जो जो लोगों के घर में इफ्तारी का सामान नहीं है, हमारे कई लोग, हमारे कई कार्यकर्ता ख़ास तौर पर ऐसे 100 घर चुनते हैं और उनके घर में फ्रूट फल फ्रूट जाके देते, जो ताकि उनकी भी रोज़ा इफ्तारी अच्छे हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपके भी रमज़ान की, आप भी दो शब्द रमज़ान की बहुत बहुत सारे मुसलमान भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।